सो गाइस वीवो ने लॉन्च किया था वीवो V70 चुपके से रशिया में लॉन्च हो रही है, जल्दी लाने वाले इंडिया में 9 दिसंबर को, और इसके इनवाइट्स भी भेजने शुरू कर दिए कंपनी ने। तो आज की इस वीडियो में वीवो V70 के सारे स्पेसिफिकेशंस इस वीडियो में आपको पता चलेंगे और ये किस प्राइस रेंज में आने वाला है, तो वीडियो को देखते रहे एंड तक। सो हे गाइस, दिस इज प्रीतम एंड यू आर वाचिंग दिस माय टेक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। गाइस बात करें लुक्स के लिए, तो फ्रंट में रशिया में हुए थे लॉन्च वाटर टॉप नॉच डिस्प्ले के साथ, और बैक में डायमंड कट क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। माना जा रहा था कि ये वेरिएंट आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, बट गाइस 91 मोबाइल्स के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये वेरिएंट आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा। बट गाइस रशिया में लॉन्च हुआ था वो वेरिएंट के मुकाबले इंडिया में जो लॉन्च होने वाला है वो वेरिएंट काफी अलग है गाइस। फ्रंट में आपको 6.41 इंच का पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, और बैक की बात करो तो अपर कॉर्नर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो गाइस बात करो यार बैटरी कैपेसिटी की, तो 4500 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। डुअल इंजन 18W का फास्ट चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। और उधर ही बात करो यार परफॉर्मेंस की, तो आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि PA3 में और Realme 5S में भी आपको देखने को मिलता था। सो गाइस बात करो यार डिस्प्ले की, तो इसमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 6.41 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले इसमें दिया गया है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो बात करो यार इसकी मेन सेगमेंट की, तो जी हां गाइस कैमरा रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो पहला सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर जो कि है सैमसंग का GW1 सेंसर, एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो, एंड फ्रंट में आपको पंच होल 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड बात करो यार OS की, तो एंड्रॉयड 9 पाई और जो वीवो का जो खुद का UI है फन टच OS बेस रहेगा। सो गाइस बात करो यार रैम रूम की, तो इसमें 8GB और 128GB का एक ही वेरिएंट लॉन्च होने वाला है, और इसकी प्राइस की बात करो तो ये 20 से 24 हज़ार के अंदर ही लॉन्च होने वाला है। और गाइस मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 712 का चिपसेट देते थे और भी अच्छा रहता था, बट गाइस आपको इसमें 8GB 128GB की वेरिएंट में देखने को मिलेगा। बट गाइस प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो रही है और ऑफलाइन सेंट्रिक फ़ोन होने वाले ये वीवो की तरफ है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नया आया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, टैप करो ऑल पे, जिससे कि हमारे आने वाले और भी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग दिस माय टेक, जय हिंद वंदे मातरम।